दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम फिर से 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेके आप लोगों के सामने आ चुके हैं। हम लोग का आज थर्ड लेक्चर होने वाला है, जहां पे हम लोग क्या नवीन क्लेचर में पढ़ रहे थे, जहां पे नाम पलते जिसे बोलते हैं उसमें पढ़ रहे थे, उससे आज हम क्या करेंगे, आगे उसका क्या करें, हल्का सा एक्सटेंड करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे नवीन क्लेचर। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, पढ़ रहे थे नवीन क्लेचर, इसको पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, अब कौन सा चैप्टर हम लोग का चल रहा है, हैलोजेंस और हैलोजेंस चल रहा है, उसी के बारे में समझना है। चलिए हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं। आज हम लोग ना दो चीज सीखना है, एक तो सीखना है कि कोई भी किसी तरह का जो कंपाउंड है, जो हैलो एल्केन्स और हैलो एरेन्स, ये तो दो तरह के कंपाउंड है, उसका कॉमन नेम क्या होगा। ठीक है, और उसका IUPAC नेम क्या होगा। आज हमको डिटेल से ये दोनों के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ना है और पूरे अच्छे से हम लोग इसको नॉलेज को लेना है। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए नॉर्मल लेके हम लोग चलते हैं, अगर इस तरह लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे मान लीजिए Cl लिखा है। ठीक है, क्योंकि हम कौन सा ग्रुप पर है, हाइड्रोजन पर रहे, तो हाइड्रोजन में क्या था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसमें से सिर्फ एक और चीज याद रखेगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये जो मेरा 17th ग्रुप है, इसमें से सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यही दोनों ग्रुप को लेंगे। क्यों, ये दोनों ग्रुप मिडिल में रहता है और ये दोनों क्या करता है, आसानी से किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन कर सकता है, इसलिए इसको हम लेंगे। और ऊपर वाला क्या होता है, बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और ये बहुत ही कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, इसके कारण इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं और इसे लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसे देखिए, अगर इसको हम देखेंगे गौर से, तो ये हम लोग का क्या लिखा हुआ है, अगर कॉमन में चले तो क्या लिखा, पहले देखिए क्या लिखा हुआ, गौर से देखिए, अल्केन लिखा हुआ है ना, अल्केन लिखा हुआ है, गौर से देखिए अल्केन, आइए क्या है, हाइड्रोजन है। क्या बाबू, यहाँ पे हाइड्रोजन है। और आप लोग को बता चुके हैं, जब कभी भी हाइड्रोजन अकेला है तो उसे हाइड्रोजन बोले, जैसे ये गौर से देखिए, अगर अकेला लिखा रहेगा तो इसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पढ़ेंगे, लेकिन जब यही ग्रुप किसी और के साथ अटैच हो जाएगा उस समय से हैलाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे अब अटैच हो गया है, इसे हाइड्रोजन न बोल के आप यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हैलाइड बोलेंगे। ये क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा। और यहाँ पे गौर से देखिए, ये क्या है, आप इसको हम अल्केन नहीं बोलेंगे। क्यों, अल्केन का मतलब होता है कि अल्केन का मतलब CnH2n+2, ये होता है अल्केन। गौर से देखिएगा कि जितना कार्बन है, कार्बन की संख्या कितना, 1, 2, 3 है, अगर C3 लिखेगा तो H कितना हो जाएगा, 6, 2, 8। गौर से देखिए, हाइड्रोजन का संख्या क्या 8 है, देखिएगा यहाँ पे 3, 2, 5, 2, 7 है, एक हाइड्रोजन की कमी है। इसका मतलब ये, अब इसे अल्केन ना बोल के इसको हम लोग अल्काइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको अल्काइल बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, अब इसको ये ना बोल के आप बोल देंगे अल्काइल। क्या बोल देंगे बाबू, इसे अल्काइल बोल देंगे। आगे समझ में, अल्केन तो बोलेंगे जब जितना कार्बन ले रहे हैं, जितना कार्बन की संख्या है उसका दोगुना में दो जोड़े, उतना अगर हाइड्रोजन आ गया तो उसे हम लोग क्या बोले, अल्केन बोलेंगे। अगर उसमें से एक हाइड्रोजन घट गया तो वो अल्काइल समूह हो जाता है, कौन सा, अल्काइल ग्रुप हो जाता है। और साथ में हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन अटैच है इसे तो उसे हम लोग हैलाइड बोलते हैं। अब बोले इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम। क्या, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC से पहले कॉमन नेम समझ लेते हैं। ठीक है, गौर से देखिए, कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। क्या, कितना कार्बन है यहाँ पे, गौर से 1, 2, 3 कार्बन है, 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई लग जाएगा, क्या प्रोपाइल हो जाएगा, क्या होगा, प्रोपाइल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू, इसे क्लोराइड बोलेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। आगे समझ में, ये इसका क्या नाम है, इसका हम बोल सकते हैं ये कॉमन नेम है। क्या, इसका नाम ये कॉमन नेम है, इसका ये कॉमन नेम है। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग IUPAC नेम सीख लें। ठीक है, याद रखेगा हमेशा कॉमन नेम में क्या होता है, हम लोग काउंटिंग नहीं करते हैं। क्या काउंटिंग का मतलब, यहाँ पे 1, 2, 3 करके ऐसे काउंटिंग नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कॉमन नेम में हम लोग अल्केन को सबसे पहले क्या करते, जो भी हाइड्रोकार्बन होता है उसे हम लोग कॉमन नेम पहले लिखते हैं। अब बाद में जो ग्रुप लगा, जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन वाला पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन बाद में लिखाते हैं। इसलिए देखिए, कॉमन नेम में पहले हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कौन है, अल्केन समूह है, तो उसे हम लोग पहले लिखते हैं, और बाद में कौन, जो यहाँ पे जुड़ा हुआ समूह होता है, हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, तो उसे हम लोग बाद में लिखते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोपाइल क्लोराइड लिखे हैं। ये क्या, अल्काइल समूह हो गया, और ये क्या होगा,
हाईलाइट समूह हो गया, ऐसे करके कॉमन नेम लिखा आता है। लेकिन जब आईओपीसी नेम लिखते हैं तो पहले क्या आता है, पहले आता है आपका जो ये समूह होता है उसको लिखते हैं हाइड्रोकार्बन, बाद में लिखते हैं, ये इसका तरीका होता है। और वहां पे काउंटिंग कर लेते हैं और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे काउंटिंग करके देख ले, यहाँ क्लोरीन देखिए इधर से लगा हुआ, इसलिए हम काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3। कोई बोलेगा इधर से काउंटिंग क्यों नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि इस हाइड्रोकार्बन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है वो इधर लगा हुआ है, अगर इधर से करेंगे तो इसका नंबरिंग क्या होगा, पहले आएगा, और इधर से काउंटिंग करेंगे तो तीसरे नंबर पे आएगा क्लोरीन, जो लिखने में क्या होता है गलत हो सकता है। इसलिए जिस तरफ से कोई भी ग्रुप जुटा हो हम लोग नंबरिंग उधर से करना प्रिफरेंस समझते हैं, ठीक है। इसके केस में हम लोग ऐसे करेंगे, बताइए कितना क्लोरीन, कितना कार्बन, तीन कार्बन है, क्लोरीन कितना लगा वन पे, तो यहां लिख सकते हैं वन क्लोरो, और यहाँ पे कितना कार्बन है, तीन कार्बन, इसलिए प्रोपेन लिख देंगे, क्या लिख देंगे प्रोपेन। अब गौर से यहाँ पे देखिए क्या किए हम लोग, जो पहले गौर से देखिए यहाँ पे क्लोराइड जो हलाइड समूह था वो बाद में लिखते थे, किसमें, कॉमन नेम में। हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका कॉमन नेम है यहाँ पे लिख देते हैं, समझिएगा जो हम लोग का कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम में हमेशा जो आपको हाइड्रोकार्बन होता है, क्या हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कौन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन हम बोल सकते हैं हम लोग का अल्केन समूह, अल्काइल बोल दीजिए, अल्काइल ग्रुप है ये है, और यहाँ पे हम लोग का और दूसरा ग्रुप कौन है, तो यहाँ पे मेरा दूसरा ग्रुप क्या है, हाइलोजन है, कौन है, हाइलोजन, जो यहाँ पे कौन होता है, हैलाइड कहलाता है, क्या कहलाता है बाबू, यहाँ पे हैलाइड कहलाता है। कॉमन नेम में हमेशा क्या होता है कि जो अल्काइल समूह है ये क्या होता है, पहले आता है, क्या होता है, पहले आता है। हमेशा याद रखिएगा कॉमन नेम में जो भी हाइड्रोकार्बन पहले आएगा, और ये समूह हैलाइड है तो ये बाद में आएगा, कोई और समूह तो वो भी बाद में आएगा, ये कॉमन नेम का है। अगर यही सेम चीज अगर आईयूपीएसी में बोले, किसमें बोले हम, अगर हम यही सेम चीज आईयूपीएसी नेम में बोलेंगे तो वहां पे क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यही बात आईयूपीएसी नेम की बात करें, वहां पे हम करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग का जो अल्काइल हैलाइड रहेगा, अल्काइल जो हम अल्काइल ग्रुप बोले, सिंपल जो भी हम लोग का अल्काइल ग्रुप है ये क्या होगा, बाद में लिखेगा, इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे। और इससे पहले कोई भी समूह, यहाँ पे हम लोग का समूह आता है हैलोजन, मतलब कहने का मतलब हैलाइड, इसे क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे फर्स्ट। ये तरीका होता है लिखने का, कुछ नहीं है, कॉमन नेम का उल्टा क्या होता है, आईयूपीएसी नेम होता है, और आईयूपीएसी का नाम उल्टा क्या होता है, कॉमन नेम होता है, यही चलता है, ठीक है। आप इसको समझ लिए, आप यहाँ पे देखिए सेम चीज लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पे क्लोराइड किए थे, यहाँ पे क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमो हाइड्रो ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। आप इसे समझ लिए, और उसे और सारा क्वेश्चन देते हैं आपको और ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हम कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों देख लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसको ये तो हम लोग लिख लिए, अगर मान लीजिए चार कार्बन होगा तब उसको क्या बोलेंगे, तो नॉर्मल चार कार्बन हो उसके साथ कुछ कोई और हाइड्रोजन जुटा हो उसे ऐसे लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा लिखा हो CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH2 आगे क्या लग गया, Br लिख गया, क्या लग गया, Br लग गया। इसमें हम लोग इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, गौर से देखिए, कॉमन नेम में बताया था ना, सबसे पहले क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन, मतलब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कौन है, अल्काइल समूह है, उसे पहले लिखेंगे। कॉमन नेम में क्या करते हैं, 12 लिखना हो, आप भी समझ लीजिएगा, ये समझने का सिर्फ खेल है कि क्या होता है कॉमन नेम में जो हम लोग का अल्काइल समूह होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, उसे हम लोग फर्स्ट में लिखते हैं। और आपका क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन समूह लगा है, हैलाइड जिसे बोलते हैं, यहाँ पे हैलाइड जो ग्रुप लगा है उसे हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में लिखते हैं। यही काम आप हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखते रहिए कितना कार्बन बाबू, यहाँ पे चार कार्बन है, चारों क्या लिखते हैं हम लोग, अच्छा और देखिए ये क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब समझते हैं, नॉर्मल का मतलब एक लॉन्ग चेन चलता है, ऐसे चलते जा रहे हैं, इसमें कोई कहीं पे कोई ग्रुप न जुटा हो वो नॉर्मल कहलाता है। तो इसे हम लोग नॉर्मल में लिख सकते हैं, क्या एन ऐसे करके लिख दें, एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, स्मॉल एन है, लिख दें। अब यहाँ पे कितना कार्बन, चार कार्बन, नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया कि नहीं आ गया, देखिए सबसे पहले कौन आ गया, अल्काइल ग्रुप आ गया ब्यूटाइल, और उसके बाद कौन आएगा, ये हैलाइड समूह कौन होगा, ब्रोमाइड होगा, क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, आईयूपीएसी नेम देखते हैं, काउंटिंग किधर से, इधर से या इधर से, इधर से करेंगे, इधर से कभी नहीं करेंगे, किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर से करेंगे तो मेरा जो ब्रांच
ब्रांच कह सकते हैं या ब्रांच से अच्छा बोलेंगे जो मेरा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के साथ जो समूह लगा हुआ है उसे काउंटिंग करेंगे तो पहले आ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इधर से करेंगे। लीजिए कर दे 1 2 3 4 कितना आ जाएगा, हम लिख सकते 1 ब्रोमो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 ब्रोमो कितना कार्बन 4 तो ब्यूटेन 1 ब्रोमो ब्यूटेन। आगे समझ में, ये तो अब कॉमन, अब ये क्या हो गया, ये आईयूपीएसी का हो गया। अब धीरे धीरे क्या करते हैं हम लोग, धीरे धीरे अपना लेवल को बढ़ाते हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैसे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, अब थोड़ा सा अच्छा सा देखते हैं, अच्छा देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्या करते हैं, ये तो हो गया आपका रिंग में, आप ये तो नॉर्मल था, हम लोग इसे एलिफेटिक बोलेंगे। अब एरोमेटिक जिसे हम लोग हेलो एरिंस बोलते हैं वो वाला ग्रुप देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है मेरा बेंजीन है, अगर बेंजीन पे ब्रोमीन लगा दिए, गौर से देखिए यहाँ पे क्या है, बेंजीन बेंजीन पे ब्रोमीन लगा देंगे तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है, गौर से देखिएगा नॉर्मल इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हम कॉमन नेम लिखेंगे, बता रखे ना, जब भी कॉमन नेम लिखेंगे, अब बेंजीन से जैसे अल्केन था उसको क्या करते हैं, जब हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अल्काइल कहते हैं, उसी तरह बेंजीन रहेगा उसको क्या बेंजाइल बोल देंगे, क्या बोले, बेंजाइल बोल देंगे। आगे समझ में, इसमें जो भी ग्रुप लगा हो हाइड्रोजन का वो क्या हो जाएगा, हलाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हलाइड, ये उसका कॉमन नेम बताएगा। सेम आप यहाँ पे देखिए क्या होगा, कॉमन नेम देखना है तो यहाँ पे गौर से देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, हम इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे, बेंजाइल ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड कर दीजिए, बेंजाइल ब्रोमाइड हो गया। आगे समझ में, और आईयूपीएसी नेम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लगा तो नॉर्मल लिखे एन ब्रोमो, एन ब्रोमो बेंजीन, क्या बोलेंगे, एन ब्रोमो बेंजीन, एन ब्रोमो बेंजीन, नॉर्मल ब्रोमो बेंजीन, और यहाँ पे कहा जाए बेंजाइल ब्रोमाइड हो गया। आगे समझ में, या ऐसे लिख सकते हैं 1 ब्रोमो बेंजीन। आगे ऐसे करके इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। अब सेम चीज को हम लोग क्या करते हैं, इसे सेम और इसे हम लोग आगे और बढ़ाते हैं। देखिए इसका एक और अभी 2 रूप इसका और है, वो 2 रूप आपको हम दिखाते हैं। देखिए एक और इसका रूप है ये, यहाँ पे क्या बीआर लगा, यहाँ पे भी क्या लगा, बीआर लगा। अब क्या करें, गौर से देखिए, पहले 1 ब्रोमीन था, अब कितना ब्रोमीन हो गया, अब 2 ब्रोमीन हो गया। अब क्या करेंगे, गौर से देखिए, किसी एक को आप मेन मान लीजिए, क्या किसी किसी एक को मेन मानेगा, उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, दूसरे को दिखा सकते हैं। एक और बात आपको बता दें कि जब भी हम रिंग की बात करेंगे, जैसे हम क्या करते थे, नॉर्मल चेन जब चलता था, देखते चलिएगा, नॉर्मल लिखे CH3 CH2 CH2 और BR, ये लिखे। एक और देखिएगा, यहाँ पे दिखा रहे हैं, गौर से समझिएगा, ये ग्रुप लगा हुआ है तो हमेशा अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लगा दिए कोई भी ग्रुप, जैसे यहाँ BR लगा दिए, अब ये दोनों में समझिएगा, पूरा समझने है और कुछ नहीं है। जब हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखते हैं या इसमें क्या करें कॉमन नेम लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, जहां से लिखा हुआ था या नॉर्मल ब्रोमो, यहाँ तो नॉर्मल चल रहा है तो नॉर्मल ब्रोमो, यहाँ पे क्या प्रोपेन हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, इसमें नॉर्मल नहीं लिख के क्या लिखते हैं, ऑर्थो मेटा पारा चलता है। अगर ये मेरा मेन ग्रुप है, इसके ये बगल वाला ये जो कार्बन है उसको ऑर्थो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ऑर्थो बोलते हैं, ये जो इसको क्या बोलते हैं, मेटा बोलते हैं, और ये क्या है, इसे हम लोग पैरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरा। उसी तरह से ऊपर चलेंगे तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो, क्या बोलेंगे, ऑर्थो, इस कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग, मेटा बोलेंगे, ये कार्बन क्या हो जाएगा, पैरा। ये इसका क्या होता है, रिंग में ये क्या होता है, हम लोग कोई भी जो कार्बन होता है उसको हम दर्शाते हैं कॉमन नेम में, ये ऑर्थो मेटा पैरा हम लोग कॉमन नेम में लिखते हैं। आईयूपीएसी में क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके क्या करेंगे, इसे काउंटिंग करेंगे। अब यहाँ पे इसको यही चीज को अब यहाँ पे अप्लाई करना है और इसे देखिए कितना आसान से समझ लेते हैं। सबसे पहले ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन नेम समझते हैं, क्या करें, कॉमन नेम। अगर मान लीजिए इसको हम मेना माने, आप इसको मानिए, इसको मानिए, बात बराबर पड़ेगा। अगर इसको मानते हैं तो ये ऑर्थो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मेटा, क्या हो जाएगा, ये मेटा, ये हो गया आपको ऑर्थो, ये हो गया आपका मेटा। तो क्या बोल सकते हैं, गौर से देखिए, कॉमन नेम में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, मेटा, एम का मतलब कहता है मेटा होता है, स्मॉल एम का मतलब मेटा, कितना ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो क्या हो जाएगा, बेंजीन, क्या हो जाएगा, बेंजीन। आगे समझ में, ये इसका कॉमन नेम, और आईयूपीएसी नेम करेंगे तो क्या होगा, नंबरिंग डायरेक्ट कीजिए, क्या वहां से 1 2 3, क्या हो जाएगा, 1 2 3 लिखेगा, 1 3 डाई ब्रोमो समी उतार दीजिए, 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, क्या उतार दीजिए, बेंजीन। आगे समझ में, 12 बता रहा हूं कि जब हम लोग ओपन चेन रहेगा तो वहां पर कॉमन नेम लिखना है तो नॉर्मल लिख के चलेंगे,
आगे समझ में, अगर वो लिंग रहे हैं तो वहां पे हम लोग नॉर्मल लिखे हैं, क्या लिखते हैं, अर्थो मेटा पैरा लिखते हैं और काम करते हैं। अगर आईओपीसी में करना है तो हम लोग काउंटिंग करेंगे जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। आगे समझ में, इसका एक और है, तीसरा एक और इसका है, वो भी आपको कंडीशन दिखाते हैं। देखिए इसका तीसरा नंबर देखिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, एक ब्रोमिन यहां है, एक ब्रोमिन यहां है, एक ब्रोमिन यहां, क्या एक ब्रोमिन यहां, एक दूसरा नंबर हो गया, ये क्या मेरा तीसरा नंबर है, ये क्या था मेरा पहला नंबर था, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करें, हम लोग इसका कॉमन नेम देखें, नॉर्मल देख लेते हैं, गौर से देखिए, किसी एक को मेन मानिएगा लेकिन सब देखिए एक दूसरे से क्या सेम पोजिशन पे, यहां पर इससे देखिए तो यहाँ अर्थोमेटा पे है, इससे देखिए अर्थोमेटा पे है, इससे पकड़े अर्थोमेटा पे, अर्थोमेटा पे, किसी को पकड़ेगा, अगर एक ब्रोमिन को पकड़े और दोनों ये और ये ब्रोमिन को चेक कीजिएगा, दोनों क्या मेटा पोजीशन पे मिलेगा, या इसको पकड़िए ये दोनों हमेशा मेटा मिलेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो बेंजीन पे ब्रोमिन लगा हुआ है ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ आप किधर से भी देखिए वो आपको सेम पोजीशन मतलब सेम कारण पे रहेगा, किधर से भी उसको आप काउंटिंग कीजिए अर्थ मेटा पैरा करके आपको सेम जगह पे मिलेगा, सब क्या मिलेगा आपको मेटा पे मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे सिमेट्रिक है, इसलिए इसे क्या लिख देंगे सिमेट्रिक, एस वाई एन का मतलब होता है सिमेट्रिक, इतना कितना है तीन है, इसलिए क्या लिख देंगे ट्राई ब्रोमो, क्या लिख देंगे ट्राई ब्रोमो, कितना बेंजीन है बेंजीन लिख दीजिए, क्या लिख ट्राई ब्रोमो बेंजीन। आगे समझ में, और इसी का अगर हम लोग आईओपीसी करेंगे, कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, क्या लिख देंगे इसी का आईओपीसी नेम करें, इसको हम लोग यहां लिख देते हैं, यहां पे इसको लिखते हैं, क्या लिख देंगे 1 3 5 ट्राई, क्या लिखें ट्राई ब्रोमो, सेम जो उतार दीजिए, ये नीचे लिख देते हैं यहाँ पे बेंजीन, क्या लिख दिए बेंजीन। बताए कुछ है इसमें, कुछ है कुछ नहीं है, सिर्फ समझने का खेल, आप समझ गए, एक बार समझ गए आपको अच्छे से सब कुछ क्या आ जाएगा, आ जाएगा। हम क्या करें अब इससे थोड़ा आगे और अच्छा कंसेप्ट लेके आप लोगों के सामने बढ़ते हैं, ठीक है। तब तक इसको आप अच्छे से समझिए, अगर इसको आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं तो आपको दिक्कत ना हो देखने में कहीं पे, अगर आपको कुछ अगर आपको कहीं पे भी डाउट लग रहा हो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आप उसे कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे दिक्कत है, या कहीं कुछ भी आपको लग रहा है वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो एक काम तो आपको पक्का करना है, वो क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब वो करना ना भूले, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट का काम हम लोग करते हैं क्या, आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा प्यारा क्वेश्चन, अच्छा स्टेप वाला लेते हैं। देखिए आप क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, अब हम लोग क्या कर लें, एक और चीज देखते हैं, बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, जब पढ़ाता हूँ ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वहां देखते, बहुत सारे बच्चों को एक चीज डाउट होता है कि वो क्या आईसो क्या होता है, फिर नियो क्या होता है, फिर आपको टर्सरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होती है, चार में बच्चों को ये चार तरह का आईसो नियो सेकेंडरी टर्सरी ये कंपाउंड है, ये कैसे जानेंगे ये कब आईसो लग रहा है कब नियो हो रहा है कब सेकेंडरी है कब टर्सरी, इसे मैं क्या करता हूँ चुटकियों में आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको कभी दिक्कत ना होगा, ठीक है। किसको किसको हमको समझना है, पहले आईसो समझना है, फिर नियो को समझना है, फिर क्या करना है सेकेंडरी सेकेंडरी को समझना है, इसे हम लोग एस ई सी लिख देते हैं, और उसके बाद क्या करना है टर्सरी को समझना है, किसे टर्सरी को समझना है, जिसे हम लोग नॉर्मल टी आर टी ऐसे लिख देते हैं। आगे समझ में, ये हमको समझना है, इसमें क्या करें सबसे पहले हम लोग किसको समझते हैं आइसो को समझते हैं, किसे समझते हैं सबसे पहले आइसो को समझते हैं, समझिएगा आइसो कंपाउंड क्या होता है, आइसो हाइड्रो कंपाउंड जिसे बोलते हैं वो क्या होता है ये समझिए। अच्छा देखिएगा, जैसे नॉर्मल हम क्या लिख दिए, नॉर्मल लिख दिए CH3CH, यहां लिख दिए, यहां पे क्या लिख दिए CH3, यहां पे अगर मान लीजिए CH3 लिख दिए, क्या लिख दिए बाबू यहां पे, गौर से आप देखिएगा तो कितना कार्बन आपको दिख रहा है, टोटल आपको चार कार्बन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, टोटल आपको 1 2 3 4 चार कार्बन आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें आप देखिएगा ना तीन कार्बन एक चेन में जा रहा है, गौर से देखिएगा तीन कार्बन एक चेन में ऐसे करके जा रहा है और एक कार्बन के यहाँ बीच में लटका हुआ है, अब देखिएगा एक कार्बन के यहाँ बीच में आपको फंसा हुआ कहीं है या उसे क्या बोले झूल रहा है, क्या करे इसके साथ झूला झूल रहा है, तो गौर से देखिएगा ये जो अलग आ गया,
गौर से देखिए ये क्या हो गया, अलग हो गया। ये जो मेन ग्रुप था उससे क्या ये अलग हो गया। अब इसे क्या मेन ग्रुप बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मेन ग्रुप का मतलब होता है जो एक ही लाइन में रहता है, वो लंबा चैन कहीं है, जो एक ही साथ कार्बन को चलेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप बोलते हैं। ये क्या मेन ग्रुप में आ गया, ये नहीं, ये क्या आ गया, साइड में आ गया। क्या आ गया बाबू, ये साइड में आ गया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं साइड चैन बोलते हैं। सॉरी से लिख देते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, साइड चैन बोलते हैं, साइड चैन या साइड ब्रांच बोल दिए, सब साइड ब्रांच बोले सबसे अच्छा लगेगा सुनने में, साइड ब्रांच बोल दीजिए। और ये जो ऊपर में ये जो देख रहे हैं, ये ऊपर में, इसे हम लोग बोलते हैं मेन चैन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, मेन चैन बोलते हैं। आगे समझ में, जब भी कभी ऐसा दिखे कि मेन चैन से हटके अगर कोई और, कोई भी हो, कोई हाइड्रोकार्बन समूह या कोई और समूह हो, वो अगर आ रहा है तो मेन चैन का पार्ट नहीं होगा, वो आपका ब्रांच चैन का होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं साइड चैन बोलते हैं, उसका वो क्या होगा, पार्ट होगा। अब इसे समझते हैं, जब भी देखिएगा कि तीन कार्बन हो, अगर उसके बीच वाले कार्बन से क्या हो, कोई भी ग्रुप अगर जुटा हो, उसे हम आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन नेम में उसे क्या बोल देंगे हम लोग, आइसो बोल देंगे। और कार्बन की संख्या कितना, गौर से देखिए, एक दो तीन चार, चार कार्बन है, इसलिए क्या बोल देंगे, आइसो ब्यूटाइल। क्या बोल देंगे इसे, आइसो ब्यूटाइल बोल देंगे। आगे समझ में कुछ है, नहीं है ना, बार बार बोल रहा हूं। आइसो का मतलब ये होता है जब आपका तीन कार्बन हो और तीनों कार्बन के बीच वाले कार्बन से अगर कोई भी समूह जुड़ा हो, अगर यहाँ पे देखिए कार्बन जुड़ा है इसलिए चार लिख दिए, कोई और जुड़ा था तो उसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे बार फिर समझिए, एक बार और बोल रहे हैं आपको, अगर तीन कार्बन हो, अगर तीसरे कार्बन के बीच वाला जो कार्बन है, मिडिल वाला कार्बन, उससे अगर कोई भी समूह जुटा हो तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है, आइसो कहलाता है। आगे समझ में, ये होना चाहिए तीन कार्बन पक्का होना चाहिए ऊपर में, ऐसा नहीं कि बीच में यहाँ पे कोई और समूह लगा हो और नीचे में कोई और लगा उसको आइसो बोले, नहीं वो गलत हो जाएगा। मेन चैन में तीनों कार्बन होना चाहिए और बीच वाले कार्बन से यहाँ पे कोई भी समूह होगा वो आइसो कहलाएगा। आगे समझ में, एक और देखिए, इसका एक और तरह का मेरे पास क्वेश्चन है, उसे समझिएगा, देखिएगा, ठीक है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए हम लोग लिख देते हैं किसको, सेम चीज है, CH3CH, यहाँ पे CL, यहाँ पे क्या हो गया CH3। आप गौर से देखें, हम बताए थे ना कि मेरा मेन चैन क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए उसमें, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसको हटाए कोई और ग्रुप लगा दे, वो कभी भी जिंदगी में आपको आइसो नहीं होगा। आगे समझ में, मेरा मेन चैन क्या है, तीनों कार्बन है, और मेन चैन के बीच वाले कार्बन से देखिए क्या कार्बन है, नहीं है, कोई और ग्रुप है, तो भी ये क्या हो सकता है आपको, ये आपको आइसो हो सकता है। क्या होगा, आइसो होगा। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो। कितना कार्बन है, तीन कार्बन है, इसलिए आइसो प्रोपाइल, इसे बीच में ना थोड़ा डैश देंगे, फिर लिख देंगे प्रोपाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोल देंगे। आगे समझ में, कितना आसान है, आगे समझ में आ गया, दिक्कत हो रहा है, नहीं ना, सेम चीज है, तीन मेन ऊपर तीन कार्बन होना चाहिए, उसके जो मिडिल वाला कार्बन है उससे कोई भी ग्रुप हो, या तो CH3 हो या CL हो, कोई भी हो, हम लोग क्या उसे आइसो बोलेंगे। एक और मेरे पास क्वेश्चन है, उसे हम लोग क्या करते हैं, दिखते हैं। ये सब जो लिख रहे हैं ये सब कॉमन नेम है, IUPAC से तो नॉर्मल लिख देंगे 1, 2, 3, क्या 2-chloro-propane हो जाएगा, IUPAC से तो कोई भी लिख लेगा। अब देखिए एक और इसका क्वेश्चन मेरे पास है, देखिए CH3CH यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं CH3, यहाँ पे CH3 और CL। गौर से देखिए कार्बन की संख्या कितना है, मेन चैन में कार्बन की संख्या कितना है, तीन, और मिडिल वाले कार्बन से क्या इस बार मिथाइल ग्रुप जुटा हुआ है। हम क्या बोले थे, मेन चैन मेरा तीन होना चाहिए और मिडिल वाला से कुछ भी जुड़ा हो वो क्या कहलाएगा, आइसो कहलाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे आइसो। कितना कार्बन है, चार कार्बन, एक दो तीन चार कार्बन है, इसलिए आइसो ब्यूटाइल। अब क्लोरीन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्लोराइड। क्या हो जाएगा, क्लोराइड। बताए कोई डाउट है, किसी तरह का डाउट नहीं होगा। अब हम नहीं लगता है कि आपको कभी भी आइसो में दिक्कत होगा, अब आइसो में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, आइसो को छोड़ के अब इसके आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, नियो कंपाउंड को पकड़ते हैं और उसे क्या करते हैं, बनाते हैं, धो डालते हैं उसे, आज के बाद उसमें भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे मिटा के आप किसके तरफ पहुंचते हैं, हम लोग नंबर दो कौन है, नियो। नियो साहब को पकड़ते हैं, ये भी हमसे बचाना चाहिए, अगर ये बच गए फिर क्या होगा, स्टूडेंट लोग को बहुत दिक्कत होने वाला है। हम ना चाहते हैं कि स्टूडेंट को क्या हो, दिक्कत हो। अच्छा देखिए हम क्या करें, आप नंबर सेकंड किसको, नियो। किसको पकड़े, नियो को पकड़े, नियो कंपाउंड को पकड़ते हैं। अच्छा देखिए ये भी उसी तरह का है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवा बना के रखता है ये और कोई काम ये नहीं करता है। देखिए
CH3 लिख दे। अब गौर से देखिए बाबू यहां पे क्या है, ये CH3 इधर लगा दीजिए, ये CH3 इधर लगा दीजिए, देखिए क्या ये लगा दिए। गौर से देखिए यहां भी मेन तीन कार्बन, या यहां भी देखिए मेन तीन कार्बन है कि नहीं, मेन तीन कार्बन उसके बीच वाले कार्बन से देखिए, अगर हम मान लीजिए अगर इसको मेन चेन माने, आप इसको माने या ऊपर वाले को माने कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर पड़ेगा। जब मेन चेन इसको मानेगा तो देखिएगा दो साइड चेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दो साइड चेन आ जाएगा। आइसो में क्या था, आइसो में तीन कार्बन तो था लेकिन मेन जो बीच वाला कार्बन था उससे सिर्फ एक ही ग्रुप जुड़ता था, या वो मिथाइल समूह मतलब अल्काइल समूह या कोई और समूह, लेकिन एक ही जुड़ता था। और यहां पे कितना है, यहां पे देखिए मेन से दो जुट रहा है, क्या बोला, दो अल्काइल समूह जुट रहा है। जब ऐसा कभी आपको देखेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इसे ही इसी हम लोग नियो बोलते हैं। अब बताए नियो बोल दिए, कार्बन की संख्या कितना है, तीन, ये दो, ये पांच, इसलिए नियो पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन, क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल कहिए इसको, नॉर्मल है तो नियो पेंटाइल पेंटाइल, क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल हो जाएगा। आगे समझ में कुछ है इसमें नहीं, इसका एक और हम लोग वर्जन लेते हैं, जहां पे क्या करते हैं कोई भी हैलाइड को यहाँ पे लगा के देखते हैं और क्वेश्चन क्या करते हैं उड़ा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिख दिए CH3C, यहाँ पे हम लिख दिए CH3, यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग, ऐसे लिख दिए CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या कर दिए CL, क्या कर दिए CL। फिर देखिए क्या यहाँ पे मेरा सेम चीज यहीं पे है, क्या हो गया, गौर से सिर्फ यहाँ देखिए एक क्या हो गया हैलाइड लग गया साथ में, लेकिन क्या करेंगे, मेन चेन तो मेरा यही है लेकिन बीच वाला कार्बन से कितना ग्रुप जुड़ा हुआ है, दो अल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा नियो, क्या हो जाएगा नियो। कार्बन की संख्या कितना है, पांच है, तो क्या नियो पेंटाइल, ये क्या हो जाएगा क्लोराइड, क्या हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा। बताए कोई डाउट है, किसी तरह का डाउट है, नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे दिख जाएगा जब भी कभी कि तीन कार्बन से बीच वाले कार्बन से अगर ऐसे लगा, अगर एक लगा रहेगा आइसो, अगर दो लगा होगा तो उसे नियो बोलेंगे। अब आपको नहीं लगता है कहीं पे डाउट होगा आइसो नियो में, आप क्या करते हैं हम लोग सेकेंडरी और टर्शरी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन का उसको हम समझते हैं। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं उसे समझते हैं, इसे फिर हम लोग क्या करते हैं मिटाते हैं, हम लोग आप समझेंगे सेकेंडरी को और उसके फिर समझेंगे टर्शरी को, जो कुछ नहीं है इसी का क्या है भैया है, क्या इसे बोलते हैं, इसी का जो नियो और बोलते हैं ना नियो और आइसो बोलते हैं उसी का भैया क्या है, ये सेकेंडरी और टर्शरी है। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं किसे हम लोग सेकेंडरी को देखते हैं, सेकेंडरी को देखते हैं, सेकेंडरी का मतलब ही होता है टू डिग्री, कितना होता है बाबू, सेकेंडरी का मतलब होता है दो डिग्री का बात करें उसे सेकेंडरी बोलेंगे। ये सब जितना भी बताया ना बाबू आप लोग को ये सारा कॉमन नेम बोले हैं, IUPAC नेम और आसान होता है, काउंटिंग करके लिखना था, कुछ होता नहीं है, फिर आपको दिखा भी देंगे IUPAC नेम किसी को न समझ में तो। ठीक है, अब देखे क्या करें, हम सेकेंडरी देख रहे हैं ना CH3 CH2 CH, यहाँ पे कर देते हैं हम क्या करते हैं CH3, यहाँ पे कर दिए CH3। आप गौर से देखिए इसको हम क्या लिख दिए, इस तरह का कार्बन लिखे। अब बताइए यहाँ पे कोई, ये मेरा मेन चेन तो कौन है, मेरा मेन चेन कौन है, मेरा मेन चेन तो यही, अब ब्रांच कौन आ गई है। अब गौर से इसमें देखिएगा, आपको कुछ इसमें दिखेगा, बताइए इसमें कोई क्या, ये जो मिथाइल समूह लगा हुआ अलग से, क्या ये मिडिल वाले कार्बन से लगा है, नहीं। आप यहाँ पे बता ही नहीं सकते हैं कि इसमें मिडिल वाला कार्बन कौन है, अब क्योंकि मिडिल वाला कार्बन का मतलब या तो तीन होना चाहिए था, पांच या सात ऐसे होता वो मिडिल कहलाता है, यहाँ पे तो मिडिल है नहीं, चार है वो सम होता है, मिडिल है नहीं, तो क्या इसे हम लोग आइसो बोलेंगे, क्यों आइसो में क्या बोलते हैं कि एक ही ग्रुप होता है मिडिल वाले से जुटता है, यहाँ भी क्या एक ही ग्रुप जुटा हुआ है लेकिन क्या ये मिडिल से जुड़ा हुआ है, नहीं ये मिडिल से है ही नहीं, तो क्या इसे हम लोग आइसो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। याद रखिएगा जब भी आपको ऐसा दिखे, क्या हो ऐसा दिखे जो मिडिल वाले कार्बन से क्या कोई भी समूह ना जुटे, उसका साइड वाले कार्बन से जुट जाए तो आपको क्या कहलाता है सेकेंडरी कहलाता है, क्या कहलाता है सेकेंडरी। और यहाँ पे गौर से देखिएगा तो ये कितना है, ये कार्बन आपका दो डिग्री बनाता है, कितना बनाता है बाबू, ये दो डिग्री बनाता है। वो भी देखिएगा ना, देखिए ये भी CH3 CH CH3 और CH3, ये भी आपका दो डिग्री बनाता है, कोई बात नहीं, ये भी आपका दो डिग्री ही बनाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है मेन जो कार्बन है ये इसके बीच वाले कार्बन से अल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ देखिएगा ये भी दो डिग्री बनाता है लेकिन ये क्या मेन चेन के बीच वाले कार्बन से जुटा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीच वाला कोई है ही नहीं ऐसा, इसलिए बता ही नहीं सकते हैं, इसलिए क्या होता है ये आइसो नाउ के क्या कहलाएगा सेकेंडरी, क्या बोलेंगे इसको सेकेंडरी बोलेंगे, ऐसे लिख दे सेकेंडरी, कितना कार्बन है, एक दो तीन चार पांच कार्बन है, सेकेंडरी पेंटाइल, क्या होगा बाबू सेकेंडरी पेंटाइल।
ब्यूटाइल हो जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा। आ गया समझ में? ये क्या करते हैं, इसी को एक हल्का सा और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसी में देते हैं। आप उसे बनाने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, कोशिश क्या आप तो बना ही दीजिएगा उसे। देखिए क्या करें, यहाँ पे लिख दिए CH3, यहाँ पे लिख दिए CH2 और यहाँ पे कर दिए CL। क्या कर दिए, यहाँ पे कर दिए CL। अब बताइए इसको क्या करेंगे, सेम चीज है। अभी भी देखिए क्या मेन ब्रांच के बीच वाले कार्बन से क्या ये मेरा अल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री तो बनाएगा है। अगर मान लीजिए कोई भी कार्बन नॉर्मल कार्बन से अगर एक समूह जुड़ा है तो 2 डिग्री, अगर 2 कार्बन जुड़ जाएगा मतलब 2 अल्काइल समूह जुड़ जाएगा उसे 3 डिग्री कहेंगे। जैसे नियो कार्बन जो देखे उसमें मिडिल कार्बन 2 अल्काइल समूह को जुड़ा हुआ है ना, वो 3 डिग्री है, लेकिन बीच वाला था इसलिए नियो था, यहाँ पे 2 डिग्री बनाएगा। आप इसे देखिए लिख दीजिए, नॉर्मल क्या लिखेगा, सेकेंडरी, क्या लिखेगा, सेकेंडरी, कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 सेकेंडरी पेंटाइल, क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, क्या हो जाएगा, क्लोराइड। आ गया समझ में? कुछ है नहीं है ना, एक और क्वेश्चन दे लीजिए, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, CH3 CH2 CH, यहाँ पे लिखे CL, फिर यहाँ लिख दिए CH3, क्या लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए CL3। अब फिर देखिए सेम चीज है, कुछ है नहीं, यहाँ भी देखिए मेन चेन तो मेरा यही है, क्या मेन चेन के मिडिल वाले चेन से क्या ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। ये क्या है, जो मेन चेन पे, सिर्फ क्या मेन चेन में यहाँ पे कोई बीच वाला चेन तो है नहीं, मिडिल तो कुछ है नहीं कार्बन, यहाँ मिडिल हम कह नहीं सकते हैं, ये क्या है साइड वाला से जुड़ा हुआ है। जब आपको मिडिल ना दिखे उसके बाद समझ जाइएगा ये क्या है, आइसो नहीं हो सकता है, ये क्या होगा, नहीं होगा। गौर से देखिए, क्या ये 4 कार्बन आप बचा सकते हैं, मिडिल कौन होगा, जैसे आप ऐसे समझिए 1 2 3 4, कोई बोला इसका मिडिल निकाल के देखे, क्या मिडिल बताइएगा, मिडिल का निकाल कोई एक को बताइएगा, क्या इसमें से बता सकते हैं ये 4 संख्या में से मिडिल कौन है, आप नहीं बोलेगा, बोलेगा हाँ इसके बीच में 2.5 होगा, क्या होगा, 2.5 होगा, लेकिन वो मिडिल है नहीं है वहां, यहाँ पे तो लिखा हुआ है नहीं, लेकिन ये कोई पूछ दे 1 2 3 4 5, बताइए इसमें मिडिल कौन है, आप सच से बोलेगा ये दोनों बाहर का हो जाएगा, बीच वाला क्या मिडिल हो गया। सेम काम यहाँ पे है, 4 कार्बन है, आप मिडिल कैसे बता सकते हैं, आप इसमें मिडिल बता ही नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइड वाला हो गया, जब साइड वाला हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे, सेकेंडरी कितना कार्बन है, कॉमन है 12, बोले ना अल्काइल समूह पहले जाता है, हाइड्रोजन हैलाइड बाद में जाता है, तो कितना 5 4 है, इसलिए क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल, क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल, और कितना हो जाएगा, क्लोराइड, क्या हो जाएगा, क्लोराइड। बताइए कुछ है इसमें, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ आपको दिखेगा नहीं ऐसा कि कोई टफ है। इसी तरह क्या करेंगे, अगर यही वाले साइड वाले पे अगर आप क्या मिडिल चेन को मतलब मिडिल कार्बन को ना पहचान पाए तो समझ जाएगा, अगर उसमें एक और समूह वहां पे लगा दे तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सॉरी टर्शियरी हो जाएगा, 3 डिग्री दिखा देगा, ऐसे करके उसको भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इतना तो हमको नहीं लगता है आपको दिक्कत हुआ होगा आइसो नियो और सेकेंडरी में। आप चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, टर्शियरी की तरफ चलते हैं, उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं, फिर ये क्या खेल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा हम लोग को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इससे छुटकारा हम लोग को आसानी से मिलेगा, कंसेप्ट यहाँ पे चला जाएगा। आगे समझ में, फिर हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग इरेज करके क्या करते हैं, टर्शियरी को समझते हैं। किसे, टर्शियरी, टर्शियरी भाई साहब आप भी यहाँ पे आ जाइए और क्या कीजिए, आप अपने आप को दिखाइए लोगों के, आप कैसे लगते हैं देखने में, आपका चरित्र कैसा है, आपका क्या करैक्टर कैसा है, वो लोगों को दिखाइए, क्या कीजिए, वो लोगों को आप टर्शियरी, आप क्या कीजिए, लोगों को दिखाइए। टर्शियरी का मतलब क्या होता है, 3 डिग्री होता है बाबू, न्यू का मतलब 3 डिग्री होता है, जानते हैं ना, बता दिए ना अभी, न्यू का मतलब 3 डिग्री होता है, लेकिन ये बीच वाले कार्बन से क्या करता है, कोई भी समूह जुड़ा रहता है, इसलिए हम इसको टर्शियरी नहीं बोलते हैं। आगे समझिए, छोटा सा पॉइंट था, आप देखिए समझते हैं, सेम चीज CH2 यहाँ पे CH3 लगा दिए, यहाँ पे CH3 लगा दिए, यहाँ पे CH3 कर दिए। अब बताइए बुआ, ये मेरा मेन चेन कौन है, कोई पूछे मेन चेन कौन है, मेन चेन मेरा ये है, ये मेरा मेन चेन, साइड वाला कौन हो गया, ये 2 यहाँ पे क्या अल्काइल समूह लग गया है कि नहीं, 2 अल्काइल समूह है, यहाँ पे क्या मेन चेन मेरा ये है। अब देखिए क्या मेन चेन में क्या मिडिल वाला जो कार्बन होगा उससे क्या ये दोनों ग्रुप जुटा हुआ है, नहीं, क्यों, क्योंकि 4 है, 4 का मतलब होता है सम, सम में क्या आप मिडिल बता ही नहीं सकते हैं, यहाँ पे मिडिल है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, जब मिडिल आपको दिखेगा नहीं तो आराम से कह सकते हैं ये क्या होगा, टर्शियरी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन से कितना अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 अलग, एक तो मेन चेन में 2 हाई साइड में और 2 क्या है अलग जुड़ा हुआ है, जब भी इसे दिखे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डिग्री मतलब 3 डिग्री बोलते हैं,
जब ऐसा होगा उसका नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं आसानी से, इसे कितना कार्बन हो गया गौर से देखिए तो पहले टर्शियरी लिख देंगे, क्या टर्शियरी लिख दिए और कितना कार्बन है चार दो छह, इसलिए इसको हेक्साइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हेक्साइल बोल देंगे। आगे समझ में, सेम काम करते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसे आप खट से उड़ा दीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम थोड़ा भी आपको कुछ नहीं करने देंगे, आप खट से क्यों उड़ाए, क्या किए खट से आप क्यों उड़ाए, हम नहीं कहने जाएंगे, हम क्या करेंगे, अच्छा बाबू अब क्या करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब देखिए इसे क्या बोलेंगे, गौर से देखिए क्या ये आपका, गौर से देखिए क्या आपका ये नियो है, नहीं है, जवाब आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि इन बीच वाले कार्बन से ये दोनों समूह अटैच नहीं है, इसलिए आपका क्या है ये तीन डिग्री तो है लेकिन नियो नहीं है, इसको हम क्या बोल देंगे टर्शियरी बोल देंगे, क्या बोलेंगे बाबू इसे हम टर्शियरी बोलेंगे, टर्शियरी लिख दिए, कितना कार्बन एक दो तीन चार पांच छह छह को क्या बोलते हैं हेक्साइल, हेक्साइल क्या हो जाएगा क्लोराइड, क्या हो जाएगा क्लोराइड। एक ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और इसका लिखने का तरीका है, उसे भी हम क्या करते हैं लिख लेते हैं, उसे भी क्या करते हैं हम समझ लेते हैं लिख के। देखिए क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है CH3, ऐसे क्वेश्चन इससे लिखेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा उतारने समय, ठीक है, उतारते समय आपको दिक्कत नहीं होगा, ऐसे लिखा CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 SA SA और SA, कर सकते हैं। अब देखिए क्या ये मेन चेन पे है, मेन चेन तो है लेकिन क्या इसके बीच वाले कार्बन से ये दोनों अल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका तीन डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसे हम सिंपल बोल दें, सिंपल यहाँ पे क्या लिख दे इधर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे सर टर्शियरी ना लिखना है बाबू, इसे टर्शियरी लिख देंगे, कितना कार्बन एक दो तीन चार पांच पेंटाइल, क्या हो जाएगा पेंटाइल, ऐसे क्या लिख देंगे क्लोराइड, क्या लिख देंगे बाबू क्लोराइड। बोलिए अब आपको क्या आइसो नियो सेकेंडरी टर्शियरी जो कंपाउंड बनता है क्या उसको आप एक बार में देख के आप बताना सकते हैं, क्या आपको अब थोड़ा भी दिक्कत होगा, किसी तरह का डाउट होगा, मुझे नहीं लगता कि आपको अब किसी तरह का डाउट कभी भी होने वाला है इन चारों को समझने में। अब आ गया समझ में, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो आपको एक काम क्या करना है वो आपको अच्छे से पता है, और मुझे क्या काम करना है वो मुझे पता है, क्या करना है आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोक देना है, लोग के बीच में पहुंचा दीजिए केमिस्ट्री में आपको हल्का टाइप का कुछ मिल रहा है, ठीक है, और अच्छा आगे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, क्या करते हैं ये तो नॉर्मल समझना था, अब हम लोग क्या करते हैं जो चैप्टर पहले हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स उसका क्या करते हैं, उसके बहुत सारे कंपाउंड है उसको क्या करते हैं हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। अच्छा इसमें कोई बोलेगा सर सिर्फ आप कॉमन नेम बोले, देखिए कॉमन नेम लिखना थोड़ा हल्का ट्रिकी रहता है इसलिए आपको कॉमन नेम सिखा दिया, आयो किसी में कुछ करना नहीं है, काउंटिंग करके बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए इसका कॉमन नेम क्या होगा, गौर से देखिए इसका कॉमन नेम क्या होगा, गौर से काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से क्या कोई जो हाइड्रोजन जिधर से लगा उधर से काउंटिंग करना आसान रहता है, करना नहीं उधर से करना ही पड़ेगा, 1 2 3 4 करेंगे, कर दिए। अब गौर से देखिए इसमें कौन कौन मेरा साइड चेन लगा हुआ, साइड है एक दो ये लगा हुआ और एक क्या ये तो है ही। अब यहाँ पे क्या बोल देंगे गौर से, जब भी अगर आपको ऐसा देखिए क्या करे, अगर दो तरह का अलग अलग आपको अगर साइड है क्या मिले, साइड चेन मिले अलग अलग मिले दो तरह का, तो समझ जाएगा वहां पे हम यूज क्या करेंगे, पहले किसको लिखेंगे, पहले आप कि पहले मैं, होता है ना रिस्पेक्ट में कि पहले आप जाइए, ऐसे यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आता है उसे हम पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकली का मतलब ABCD, आपको नहीं आता है आप सीख सकते हैं वो भी हम सिखा देंगे ABCD से लेकर जेड तक। इसमें अल्फाबेटिकली में क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसे हम बाद में लिखेंगे। यहाँ पे गौर से देखिएगा क्लोरीन में हम स्टार्ट किससे करते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं, ये क्या मिथाइल समूह है, ये किससे स्टार्ट होता है, एम से, बताइए सी और एम में सबसे पहले कौन आता है, सी और एम में सबसे पहले अल्फाबेटिकली में सी आता है, इसलिए क्या करेंगे आईयूपीएसी में सी को पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे 1 क्लोरो। अब गौर से देखिए दो पर क्या मिथाइल है इसलिए क्या लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल, क्या लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल, खत्म। अब बच गया मेन चेन, कितना कार्बन है चार कार्बन, क्या लिख दे नीचे ब्यूटेन, क्या लिख दे बाबू ब्यूटेन। आगे समझ में, इस तरह क्या करते हैं हम लोग सबका कोई भी हो किसी का हो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो बहुत आसान है लिखना, हम लोग को सिर्फ कॉमन नेम पे थोड़ा ध्यान देना था इसलिए हम वो भी कर दिए। अब क्या करते हैं हम लोग इसका हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में कुछ जो मेन मेन और अच्छे कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम है उसको हम लोग क्या करते हैं लिख के आप लोग को समझाते हैं, आप समझिए हम क्या करें, हम समझाने में आप लोग को विश्वास करते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा ये छोटा सा पार्ट था जो बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है,
हम जब पढ़ाते हैं ऑफलाइन वहां देखें बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम इसको यही होता है, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शरी कौन है, नियो कौन है, ये अब उसे दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर में कुछ कुछ और है उसका समझ लेते हैं। जैसे देखिए अगर ऐसे लिखा रहेगा CH3CHSCl और ये Cl, एक ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे लिखा रहेगा अगर CH3 CH2 CH2 CL और CL। देखिए दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है, अगर दोनों क्वेश्चन को देखें कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस पक्का दिखने वाला है। क्या दिखेगा, यहां देखे दो कार्बन, देखे गौर से यहां भी दो कार्बन है, यहां भी दो कार्बन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक जगह डिफरेंस है। क्यों, कि यहां पे सिर्फ एक ही कार्बन पे दो कोलिन लगा हुआ, कितना, दो कोलिन लगा हुआ है, लेकिन यहां देखिएगा यहां दोनों क्या कार्बन पर एक एक कोलिन लगा हुआ है, सिर्फ यही डिफरेंस है। इसके कारण क्या होता है, ये दोनों में इसका नाम कॉमन नेम अलग हो जाता है और आईयूपीएसी नेम भी अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अलग हो गया, जब स्ट्रक्चर अलग होगा तो इसके कारण नाम भी तो इसका अलग होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, कॉमन नेम में देखिए इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इथिलीडीन क्या हो जाएगा, गौर से देखिए इथिलीडीन कितना क्लोरीन है, दो, यहीं पे डी आ गया, इसका डाई यहीं पे हो गया, इथिलीन क्लोराइड लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिख देंगे। आज यहां पे आप देखिए यहां पे दो कार्बन है, लेकिन दोनों कार्बन पे अलग अलग क्या क्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोले, इथाइलीन, क्या लिखे, इथाइलीन, और कितना क्लोरीन है, दो, इसलिए डाई क्लोराइड, क्या लिखे, डाई क्लोराइड। ओके, और चीज समझिए, इसका तो ऐसे नाम है ना, कभी कभी देखते हैं ना, ये कॉमन नेम भी है, इसका एक और नाम हो जाता है जिसे आदमी शॉर्ट से बुलाते हैं, अच्छा लगता है सुनने में, इसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं, जेम डाई हैलाइड, क्या बोलते हैं बाबू, इसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं, और इसे कहते हैं विक, क्या बोलते हैं, इसे विक डाई हैलाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विक डाई हैलाइड, कितना प्यारा नाम है, जेम खाने वाला लग रहा है, जेम खाने वाला, यहाँ पे विक नाम लगता है, विक है मतलब ऐसा कुछ, अच्छा नाम लग रहा है सुनने में, इसका ये नाम हुआ कॉमन नेम, भी सोचिए एक और इसका नाम हो गया, एक और इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका चाहेंगे तो आईयूपीएसी नेम आपको समझा सकते हैं। आईयूपीएसी में क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे 1 2, अब जब काउंटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर यहाँ पे देखिए एक ही कार्बन पे दो लगा हुआ है, इसलिए क्या लिखे, 1 1, कितना क्लोरीन, दो, डाई क्लोरो CHLORO, 1 1, एक ही कार्बन पे दो लगा हुआ, इसलिए 1 1, दो बार हो गया, अब क्या क्लोरीन था, दो, इसलिए डाई लगा दिए, क्लोरो हो गया, यहाँ पे कितना कार्बन, दो कार्बन, इसलिए क्या हो जाएगा, इथेन, क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। आ गया समझ में, अब सेम चीज को लिखते हैं आईयूपीएसी नेम में, यहाँ पे 1 2, किधर से भी लिखे काउंटिंग सेम होगा, यहाँ पे लिखे 1 2, यहाँ पे कहता 1 1, यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग होने का नमवा भी देख रहा है, अलग हुआ कि ना हुआ, हो गया ना, इसलिए 1 2, डाई क्लोरो क्लोरो, क्या हो जाएगा, इथेन, क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया, कुछ था नहीं। अब क्या करते हैं, इसी का अच्छा क्वेश्चन और देखते हैं, मेरे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है, कंसेप्ट की कमी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब आपको करना है, और यहाँ पे कंसेप्ट आपको दना दन देते रहेंगे, आप लोग क्या कीजिए, दना दन उसे यहाँ पे लेते रहेगा, ऐसे नहीं कि आप उतारते नहीं, उतारना है, समझना है, इसे आपको समझना जरूरी है, लेकिन साथ में आपको क्या करना है, इसे उतारना भी है, समझना भी है, लोगों को भी समझाइए, उसे आपको भी मजा आएगा, उनको भी मजा आएगा, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट इसका अगला हम लोग के पास कुछ है खजाने में, क्या है, कुछ है खजाने में, पहला चैप्टर का कुछ खजाना अभी आपको दिखा है, अभी इसका ब्रह्मास्त्र कहिए, बहुत सारे कहिए, अभी इसका अस्त्र शस्त्र जादू टोना मेरे पास उपलब्ध है। देखिए जैसे हम क्या करते हैं, कुछ और दिखाने की कोशिश करें, देखिए देखते चलेगा, देखिए हम करते लिखते हैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर लिख दे CH2, अब गौर से देखिए यहाँ पे क्लोरीन लिख दिए, क्या कर दिए, क्लोरीन, 12 बोलना हुआ, जो हम लोग हाइलोजन लेते हैं ना, जो हैलाइड ग्रुप लेते हैं उसमें सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन को ही लेते हैं, बता चुके हैं क्यों, इसलिए हम सिर्फ क्लोरीन को लीजिए, आप ब्रोमीन को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बतवा सेम पड़ेगा। हम देखिए ना, शुरुआत में मेरा पहला लेक्चर था ना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12 का पढ़ाते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स को, वहां आपको इसके बारे में कुछ तो कुछ हम बताए थे, आपको याद होना चाहिए, इसका नाम कुछ हम बताए थे, इसलिए इसे क्या करते हैं,
बताया था ना, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो उसके बगल वाले कार्बन पे अगर क्या हो हाइलोजन लगाओ, हैलाइड ग्रुप लगाओ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड बोलते, कुछ बताए थे एलाइलिक हैलाइड, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एलाइल, क्या हो जाएगा एलाइल, यहाँ पे क्या लिखा हैलाइड, इसलिए क्या बोलेंगे इसको अलाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड की जगह क्या क्लोराइड है तो क्लोराइड लगे क्लोराइड, इसलिए क्या बोलेंगे इसको अलाइल क्लोराइड बोल देंगे। इसी तरह मेरे पास एक और क्वेश्चन है, उसे भी क्या करते हैं हम लोग उड़ा देते हैं, क्या करते हैं उसे भी हम अपने जादू टोना अस्त्र शस्त्र से उसे क्या करते हैं गड़ा उड़ा देते हैं। देखिए दो यहाँ पे एक ही लिखेंगे, यहाँ पे कुलीन लिख दीजिए। अब देखिए गौर से, अब कोई बोला बार बार कुलीन लिखते क्यों लिखते हैं, इसलिए क्योंकि हमको आसानी से मेरा हाथ उधर घूम जाता है, इसलिए लिख दे ब्रोम लिख दे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सर क्या करते हैं, इसका भी हम लोग क्या करते हैं कॉमन नेम खट से उतार देते हैं। बताए थे ना आप लोगों को जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो उसी कार्बन से आपको क्या हाइलोजन लगाओ हैलाइड लगाओ तब क्या कहलाएगा वो आपको विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा, कुछ याद आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे विनाइल हैलाइड बोलेंगे, विनाइल विनाइल हैलाइड के जगह पे क्या ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड लगा दे, क्या ब्रोमाइड लगा दे, कुछ है नहीं है ना। अगर ऐसा कोई बोला आरोपी से नेम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे उसको भी खटाक से लिख देंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग आप इधर से कीजिए क्योंकि यहाँ पे कुछ लगा हुआ है वन टू यहाँ क्या थ्री हो जाएगा, कितना पे लिखें गौर से देखिए एक पे लगा इसलिए वन क्लोरो। अब गौर से देख कार्बन कितना है ये आपको इलेवन तक बता चुके हैं लेकिन तो भी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सीखिएगा। अगर मान लीजिए कोई चैन है ओपन चैन है उसमें अगर डबल बॉन्ड है तो जिधर से डबल बॉन्ड है ना उधर से हम काउंटिंग करते हैं, मतलब अगर सी एच थ्री क्या करें सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और सी एच थ्री ऐसे लिखा हुआ ना, गौर से देखिए इसमें क्या एक और कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं, सिर्फ एक ही चैन है इसमें कोई और ग्रुप नहीं जुड़ा है। उस समय तक जिधर अगर आपको डबल बॉन्ड जिधर कार्बन से नजदीक पड़ेगा काउंटिंग हम उधर से करेंगे, अगर इधर से करें तो वन टू थ्री वन टू थ्री मतलब थ्री क्या रहा है इसका मतलब, अगर इधर से करें तो वन टू, तो गौर से देखिए सबसे पहले डबल बॉन्ड किधर से काउंटिंग करने पे आता है तो इधर से करने पे आता है तो इसलिए देते हैं इधर से, लेकिन अगर इसी बीच में कोई यहाँ पे अगर कुछ जुड़ गया तो आप क्या करेंगे ये डबल बॉन्ड का जो पावर था ना सहन साथ अपने आप में कि हम जिधर से खड़ोगे लाइन उधर से स्टार्ट हो जाएगा ये यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा, क्यों बोलेगा भाई तुमसे ज्यादा तेज वाले यहाँ आ गए तुम्हारे क्या क्या तुमसे ज्यादा शक्ति मेरे पास है, अब क्या होगा काउंटिंग मेरे तब से होगा नहीं तो क्या करेंगे हम सभी को भस्म कर देंगे, इसलिए वन टू थ्री फोर फाइव बेचारा ये क्या होगा शांत हो जाएगा कि अब मेरे पास उतना पावर रहा नहीं, अब किसके पास पावर आ गया इसके पास आ गया, इसलिए आगे किसके पास चला जाएगा इसके पास चला जाएगा, आ गया समझ में। कम्मा यहीं पे सेम है यहाँ पे वही चीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख दिए बेचारे को राजा है ना अभी इसलिए लिख दिए इसे। अब क्या कितना कार्बन है इस ये राजा के पास अभी कितना पड़ जाए तीन पड़ जाए, तीन पड़ जाए का नाम क्या लिख देंगे प्रूफ लिख देंगे कितना प्रूफ। अब गौर से देखिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पे बेचारा पहले जो राजा था उसका कितना कौन से पोजीशन पर आ गया दूसरे यहाँ क्या लिख देंगे टू इन लिख देंगे, क्या लिखेंगे टू इन, अगर समझ में ऐसे करके लिखते हैं सेम काम यहाँ लिखेंगे वन टू, इसको हम लोग क्या कर देंगे वन ब्रोमो, क्या लिखेंगे वन ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे कितना कार्बन है दो इसलिए ईथ, और कितना पे वन पे इसलिए वन इन लिख देंगे, आगे समझ में कुछ है नहीं है ना। कॉम आयोपी से लिखना तो बहुत आसान है और कॉमन नेम लिखना उससे भी आसान है, सिर्फ आपको कंसेप्ट देना बाकी था दे दिए, आप खट से इसको क्या करें उड़ा सकते हैं। देख लीजिए अब हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास से और क्वेश्चन क्वेश्चन का तो कमी नहीं है उसका खजाना ही खत्म नहीं होगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपको दिखाते हो, देखिए आप देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे तो आपको हम दिखा चुके अगर मान लीजिए सीएल लेंगे तो इसे क्या लिखेंगे हम, अगर सीएल लिखेंगे पीछे बता चुके बी आर लिखे उसमें क्या करते थे अगर कॉमन नेम लिखना था तो बेंजाइल क्लोराइड लिखते थे, कुछ याद आ रहा है क्या लिखते थे अगर कॉमन नेम लिखना है क्लोरो बेंजीन लिखिए बेंजाइल क्लोराइड लिखे दोनों बार बराबर पड़ते था, यहाँ पे वही सेम चीज लिखना है तो यहाँ क्या कर देंगे या तो यहाँ क्लोरो बेंजीन कर दीजिए नॉर्मल, जो यहाँ पे क्या करेंगे जो आईओपी नेम होता है ना वही उसका कॉमन नेम हो जाएगा इसका, इसलिए सी एच एल ओ आर ओ क्लोरो बेंजीन, क्या बोलेंगे बेंजीन क्लोरो बेंजीन बोल देंगे नॉर्मल, यही इसका कॉमन नेम होता है यही इसका आईयूपीएसी नेम भी होता है, इसलिए इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, क्यों कि बेचारा यही बोलेगा कि हम ही तो सब कुछ है हेलो एरियंस तो हम ही है हम ही पे तो तुम आके क्या कर रहे हो मेरे पे टिके हो मेरे सर पे हो जो हम बोले वही करना पड़ेगा, इसलिए कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में दोनों क्या होता है सेम ही होता है। अब आगे देखिए हम लोग के पास और सारा क्वेश्चन है, अगर बी आर लगा तो ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा, आगे समझ में। अब क्या करते हैं हम लोग
एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहां पे लगाते हैं CH3, यहां पे लगाते हैं Cl। ये देखिए क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मजा कोई आएगा क्वेश्चन देखने में। आप देखो इसको क्या करना है, ये गौर से देखिए ना, आपको पता होगा कि जब इसे हटा देंगे प्रश्न, अगर इसे हटा देंगे इसे हम टोलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू इसे? हम टोलुइन बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे सीएल लगा देंगे, अब इसका क्या होगा, इसके काम में बाधा कौन डाल रहा है, कोलिन डाल रहा है, इसका अब यहाँ पे नाम टोलुइन तो होगा लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज कर देगा। कॉमन नेम में देखिए, ये मेरा क्या है, मेन ग्रुप यही है ना, मेरा कौन आ गया, ये आ गया, ये किस पे है, ऑर्थो पे। कुछ याद आ रहा है, बोले थे ना जब रिंग में अगर कोई एक ग्रुप आ जाता है तो ऑर्थोमीटर पैरा के द्वारा उसे डिसाइड करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, उसी के द्वारा डिसाइड करेंगे ये कौन सा ग्रुप है, ऑर्थो ग्रुप है, इसलिए क्या बोलेंगे यहाँ पे ऑर्थो क्लोरो CHLOR, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन हो जाएगा। क्यों, इसको क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं, इसलिए इसे टोलुइन टोलुइन बोलेंगे, ठीक है, टोलुइन बोलेंगे। आगे समझ में, ये इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर IUPAC में कोई बोलेगा लिखने के लिए, क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया, कॉमन वहां क्या हो गया, कॉमन। IUPAC में बोलेगा तो क्या बोलते हैं, काउंटिंग करेंगे 1 2, क्या लिख देंगे, 2 क्लोरो, और बाकी सब वैसे उतार देंगे, टोलुइन। ये हो गया आपका किसमें, IUPAC नेम। आगे समझ में कुछ है नहीं है ना। इसी तरह क्या करें, यहाँ पे बीआर लगा देंगे तो क्या, ऑर्थो ब्रोमो, ये यहाँ पे लगाइए, मेटा ब्रोमो यहाँ लगाइए, पैरा ब्रोमो आ सकता है कि नहीं आ सकता है। आपको दो क्वेश्चन देते हैं, वो अपना खुद कीजिएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ये आपका यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे आपका लगा हुआ, यहाँ पे बीआर लगा हुआ है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम मिटा के आपको देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, हम क्या करते हैं मिटाते हैं आपको देते हैं, तब तक उसे क्या कीजिए, आप बनाने की कोशिश कीजिए। ये आप उतार चुके हैं ना, थोड़ा सा साइड दे देते हैं जगह, देख लीजिए कि कैसा लिखा हुआ, कहीं कोई दिक्कत है कमेंट करना तो आपको जरूरी है, ठीक है। आप क्या करते हैं, हम लोग इसे इरेज करके आपको कुछ इसमें और दिखाते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन दे दिए, एक और क्वेश्चन देते हैं, वो भी देख लीजिएगा, नॉर्मल कुछ है नहीं, नॉर्मल है। यहाँ मान लीजिए CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे आप देती, अगर यहाँ मान लीजिए हम BR लगा दिए, ये क्वेश्चन है। अगर आपको अगर अभी करना है तो गौर से देखो, कॉमन नेम तो कुछ है नहीं, ऑर्थो मीटा पैरा क्या आ जाएगा, पैरा ब्रोमो टोलुइन, टोलुइन क्या आ जाएगा, टोलुइन हो जाएगा। अगर IUPAC में चलेंगे 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, ब्रोमो, बाकी सब सेम चीज लिख देना है, टोलुइन, ठीक है। आगे समझ में, ऐसे करें क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन जो मेरे पास है, बहुत देर से क्या कर रहा है, वो बोल रहा है निकलो निकलो, इस हम क्या करते हैं, इस ब्रह्मास्त्र को भी हम निकाल ही देते हैं लास्ट में जाने से पहले। जैसे ये देखिए, ये लिखा है ऐसे CH2Cl, क्या लिखा हुआ है, CH2Cl, इसका नाम क्या है इसको हम बताएंगे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए बाबू इसका नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। आप बोलेंगे इसे हम लोग बेंजाइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे बाबू इसे, बेंजाइल क्लोराइड से बोल देंगे। इसका नाम होता है कॉमन नेम क्या, बेंजीन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, क्लोराइड लगा हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड बोल देंगे इसे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका IUPAC नेम पूछेगा कोई कि IUPAC नेम क्या होगा, आप इसे क्या कर सकते हैं, गौर से देखिए, क्या इसी कारण से क्लोरीन लगा हुआ है ना, तो इसे क्या बोल सकते हैं, एक तो ऐसे बोल सकते हैं क्या, क्लोरो, नॉर्मल बोलिए कि हाँ कितना पे लगा, इसलिए क्लोरो 1 क्लोरो बोलिए, नॉर्मल या 1 क्लोरो कोई दिक्कत नहीं, 1 क्लोरो 1 क्लोरो बेंजीन क्या है, 1 क्लोरो बेंजाइल लिखेगा, क्या हो जाएगा, बेंजाइल, क्योंकि क्या बोले मेन अगर अंदर में रहता है तो बेंजाइल कहलाता है, इसलिए 1 क्लोरो बेंजाइल, ये क्या है, मिथेन है, इसलिए मिथेन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक और इसका नाम है, वो भी आप देख लीजिए, एक और इसका IUPAC नेम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, गौर से देखिए, ये क्या, जब भी कोई बेंजीन पे, ये अगला चैप्टर फिनॉल चैप्टर पढ़ना, वहां पे समझ में आएगा कि जब भी कुछ ऐसा लिख रहा है कि हाँ, जैसे ये लिखा हो ना, गौर से एक ही कारण पे देखिएगा, ये कारण के बाद में मेन जो हाइड्रोजन समूह वो लगता है, तो वहां पे कुछ अलग आता है, जैसे यहाँ पे 1 क्लोरो फिनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो फिनॉल भी बोल सकते हैं। ये आपको अगला चैप्टर में बहुत अच्छे समझाएंगे, इसलिए ये दोनों समझना भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हम लोग क्या करें, ऐसे करके इसको लिख दिए, हम लोग के पास कुछ और क्वेश्चन है, क्या है ये, इतना समझ में, इधर तो कुछ है नहीं, इसका नाम है बाबू,
जब भी देखेगा बेंजीन से अगर डायरेक्ट आपका हाइड्रोजन जुटा हो तो डायरेक्ट उसका जो भी नाम हो, जो भी बेंजीन हो उसको नाम, जो भी उसका क्लोरीन कोई भी हैलाइड हो उसका नाम लिखें, अब बेंजीन को लिख दीजिए। ऐसे लिख सकते हैं नाम, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका बोलते हैं कॉमन नेम, आईओपीएस नेम, उसको काउंट करके ऐसे करके लिख दीजिएगा। किसी को इसमें डाउट होगा एक और इसी को हम सेम क्वेश्चन देते हैं और किसी को क्लियरिटी समझ में आएगा अच्छे से, किसी को डाउट तो नहीं रहना चाहिए। CH2 और यहाँ पे क्या कर दे Br, क्या कर दिए Br, देखिए अब इस तरह कर दिए। अब क्या करेंगे इसका हम लोग आराम से इसका क्या कर सकते हैं IUPAC नेम इसका लिख सकते हैं क्या, गौर से देखिए। अगर इसका कोई बोलेगा IUPAC नेम तो गौर से बोले कितना बोले, देखिए यहाँ पे क्या वन पे ब्रोमो है इसलिए वन, एक ही पे है ना इसलिए वन ब्रोमो, कौन सा ग्रुप है बेंजाइल है बेंजाइल, या कैरो कार्बन दो इसलिए इसको बोल देंगे इथेन, क्या बोले इथेन। ये क्या हो मेरा कॉमन, ये सॉरी ये मेरा IUPAC नेम हो गया, IUPAC नेम हो गया, ये मेरा क्या हो गया IUPAC नेम हो गया। इसमें आप क्या होगा किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे करके क्या कर सकते हैं इसे हम लोग दिखा सकते हैं। इसका कॉमन नेम ये होता है, नॉर्मल जो होता है ये लिख दिए, और इसका नाम क्या होता है IUPAC में ये होता है, ठीक है। अब मेरे पास छोटा छोटा कुछ है क्वेश्चन, उसे देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आप पहचानते होंगे। जैसे CH2Cl2 इसका स्ट्रक्चर दिखेगा तो CH2 लिखा हुआ है, अगर गौर से देखें स्ट्रक्चर इसका C, यहाँ पे एक HCl, एक कार्बन पे दो क्लोरीन है दो हाइड्रोजन है, बताया था कुछ याद आ रहा है, ऐसे करके हमें स्ट्रक्चर दिखाए थे आपको CH2CHCl कुछ याद आ रहा है, जिससे हम लोग क्या बोले थे ऐसे था एक ही पे तो हम कुछ बताए थे इसलिए डीन बताए थे ना कुछ क्लोराइड, ऐसे करके इसका नाम क्या हो जाएगा एक कार्बन के कारण क्या हो जाएगा मिथेन होता है, मिथिलीन MTHYLENE मिथिलीन, और कितना हो जाएगा यहाँ पे डाई क्लोराइड, मिथिलीन डाई क्लो एक ही कारण पे इसलिए मिथिलीन क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्लोराइड। कुछ याद मिथाइलीडीन से याद आ रहा है, इथाइलीडीन से उसी तरह से ये होगा और इसको क्या बोल देंगे क्लोराइड बोल देंगे। आगे समझ में कुछ और है उसको हम लोग देखते हैं फिर क्या करते हैं आज हम उसको खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए ये देखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा, कहीं पे दिक्कत हो बारह बोलो, कहीं पे दिक्कत हो कमेंट जरूर करें, ऐसे आप जितना अच्छे से नोट्स बना के लिखिए, नोट्स बना के आपको प्रॉपर आपको नीट्स जे मेंस का क्वेश्चन आसानी से आपको क्या होता है इससे सॉल्व हो जाएगा, इतना ही गारंटी देते हैं, ठीक है। आप देखिए क्या करते हैं, कुछ मेरे पास और है उससे हम क्या करते हैं आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे CH अगर हमारे CHCl3 लिखा हो, क्या लिखा हो CHCl3, इसको हम लोग देखिए एक कार्बन है, गॉस का स्ट्रक्चर देखिएगा, एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन तीन क्या क्लोरीन है, कितना है तीन क्लोरीन है। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर देखें उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ये उसका कॉमन नेम है। अगर इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो देखिए एक कार्बन पर कितना क्लोरीन, तीन, इसलिए एक कार्बन पर तीन क्लोरीन है इसलिए इसको हम बोलेंगे ट्राई क्लोरो, क्या बोले ट्राई क्लोरो, एक कार्बन को क्या बोलेंगे मेथेन, क्या बोलेंगे मेथेन बोलेंगे, ये इसका है। इसी तरह से अगला देखते हैं, अगर मान लीजिए एक ही कार्बन हो, अगर क्या हुआ तीन ब्रोमीन हो, क्या हुआ तीन ब्रोमीन, कॉमन नेम क्या हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, नॉर्मल जो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा इसका नाम FORM ब्रोमोफॉर्म। IUPAC नेम क्या हो जाएगा ट्राई ब्रोमो मेथेन, क्या हो जाएगा मेथेन, इसका ये IUPAC नेम हो जाएगा। सेम इसी तरह है अगर मैं CH3 दिया हुआ है, इसे हम लोग आइडोफॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे आइडोफॉर्म बोलते हैं, इसका नाम क्या बोलेंगे एक कार्बन पे तीन आयोडीन है इसलिए ट्राई, क्या बोलेंगे ट्राई आइडो मेथेन, क्या हो जाएगा ट्राई आइडो मेथेन हो जाएगा। आगे समझ में, अच्छा इसी तरह से, लेकिन बाबू बारह बोल रहा हूं कभी भी आप ये नहीं बोलेगा कि CHF3 कर दे, ये कभी नहीं होगा, क्या होगा ये कभी नहीं होगा, यहाँ पे कभी भी ये काम नहीं करेगा। आगे समझ में, इसको करने के लिए हम लोग नॉर्मल में लिखेंगे तब काम करेगा, CH2F ऐसे लिखेंगे तो काम करेगा, इसको बोले ना नॉर्मल चेन है ये लिखा हुआ है ना नॉर्मल चेन लिखा हुआ, तो उसको एन लिखते थे कुछ याद आ रहा है एम। अब गौर से देखिए कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, पहले हाइड्रोकार्बन आता है तीन कार्बन है इसलिए प्रोपाइल आ जाएगा प्रोपाइल फ्लोराइड, क्या हो जाएगा फ्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC में लिखेंगे क्या लिख देंगे वन फ्लोरो, क्या लिखेंगे वन फ्लोरो, कितना है तीन प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। तो क्या किए हम लोग, क्या किए हम लोग जितना भी
हेलो एल्केन और हेलो इन में जितना भी कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम जो आ सकता था, अच्छा जो मैं जो आपको नीट में और जेई मेंस में और आपका जो सीबीएसई बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है उसमें जो पूछ सकता था, आपका सारा तरह का कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया। कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा, हम जहां तक जितना हो सके, हम जितना डिटेल में हो सके, जैसे भी हो सके, आपको हम अच्छे समझाने की कोशिश किए हैं। इसलिए आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को या इस चैप्टर को आप नोट्स बना के जरूर लिखिएगा ताकि आपको दिक्कत आगे ना हो, ठीक है। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपको एक काम करना है, वो आपको पता है क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो करना नहीं भूलिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय बाय, जय हिंद।